अगला क्वेश्चन लिखो। सेवेंथ कर फ्रॉम द फॉलोइंग VT graph, from the following VT graph of a car of mass 2000 kg From the following VT graph of a car of mass 2000 kg, calculate the retarding and accelerating force. Force. देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है 2 3 बार एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे स्कूल वाले भी करवाना भूल जाते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले भी करवाना भूल जाते हैं। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ थोड़ा सा क्या है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाना, सिर्फ अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको एक ध्यान है कि वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है, तो ये क्वेश्चन क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, ये मेरा पॉइंट ले लूंगी ए और इस पॉइंट को ले लूंगी बी और इस पॉइंट को ले लूंगी क्या सी। अब सबसे पहले मैं निकालूंगी क्या स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। अब ए बी की स्लोप निकालने के लिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,0 और इसके होंगे कितने, 0,20, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज 0 माइनस 20 अपॉन में 4 माइनस 0, दैट इज -20 अपॉन में 4, विच इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मुझे एक्सिलरेशन या फिर रिटार्डेशन मिल गया है? हाँ, ठीक है ना। वैसे ही मैं क्या करूंगी, किसका रिटार्डेशन निकालूंगा, किसका एक्सिलरेशन निकालूंगी, बी सी का। बी सी का हम लोग आज तो कंफर्टेबली बैठे, तो उसका भी 0 4 और 0 20 नहीं। जब हम लोग स्लोप ऑफ बीसी निकालने जाएंगे, जब हम लोग स्लोप ऑफ बीसी निकालने जाएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है बी के। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 12,30, क्या होंगे, 12,30। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा 30 माइनस 0 अपॉन में
30 माइनस 0 अपॉन में 12 माइनस 4 दैट इज 30 अपॉन में 8 कितना हो जाएगा ये 15 अपॉन में 4 ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है अब दोनों के एक्सेलरेशन भी करें डेसिमल माइनस वन। ठीक है अब इन दोनों के हमारे पास एक्सेलरेशन और हाइट का रिटार्डेशन क्या हो गए आ गए। अब क्या निकालना है फोर्स मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई बाय 2000 तो यहाँ का रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा 2000 इनटू माइनस 5 और यहाँ का रिटार्ड इसका यहाँ का एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना होगा 2000 इनटू 15 अपॉन में 4 तो ये तो आ जाएगा -10,000 न्यूटन इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका ले लें ये 20 इनटू 25 इनटू 15 15 इनटू 30 300 इनटू 25 25 3 times 75 तो पहले 2000 को 4 से कैंसिल नहीं किया आपने हाँ वैसे अच्छा लगा क्वेश्चन हाँ इजी था हार्ड लगा था क्वेश्चन अलग था हाँ इजी क्वेश्चन बहुत डिफरेंट इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये थोड़े से क्या होते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं होते पर बच्चा इस डायरेक्शन में सोचता नहीं ऐसे हर डायरेक्शन में होता डेरिवेशन था नहीं तो क्वेश्चन था मैं तो स्लोप निकालने के लिए भी एक कैसे डालूं नहीं ये डेरिवेशन नहीं है जैसे अपन ने वो पहले डेरिवेशन का मतलब होता है कि आप कोई फॉर्मूला निकाल लो मतलब कोई फॉर्मूला के स्कूल में होगी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा ठीक है लेकिन ये जो माइनस साइन बताया है ये क्या दिखा रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा स्टार लगा के एक पॉइंट दिख रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन act on two different objects action and reaction act on two different objects clear Question number one, how do we walk? Question number two, how does a boatman rows his boat? Question number three. Why do we fall? Sorry. Why does a boat? Why does a boat moves?
backward when we jump towards the bank of a river. Question number 4. Why does a boatman pushes the bank to move his boat away from the bank? What happens when an inflated balloon is left open is released open in air? Question number 6. Explain the principle of rocket propulsion. Question number 7. Why does a gun recoils? Question number 8. इसका मतलब क्या है? रिकॉइल्स का मतलब ऊपर जाना. Why are more than one fireman required to hold a hose pipe? Hose pipe. Question number 9. How does a horse pulls a cart? Question likha hai, how do we walk? So when we walk, we push the ground backwards. When we walk, we push the ग्राउंड backwards. ये क्या होता है हमारा एक्शन. ग्राउंड क्या करता है हमारे फुट को आगे की तरफ पुश करता है. ग्राउंड क्या करता है हमारे फुट को आगे की तरफ पुश करता है, विच इज रिएक्शन. दिस इज हाउ वी आर एबल टू वॉक. आई बात समझ में? ठीक है. उछल के नहीं आते, बट हम वही रहते, नीचे दस नहीं जाते. क्योंकि अगर मैंने फोर्स लगा रहे 50 क्यों नहीं लगा, अपन ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं. ग्राउंड कितना फोर्स लगाता है कि हम उस जमीन पे स्टेबल रहे. अरे बात समझ में? जब गिरते हैं तो ग्राउंड अंदर नहीं चला जाता हमारे को. सो क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारे ऊपर उतना फोर्स लगा रहा है. अगर ग्राउंड रिएक्शन नहीं लगाएगा तो ये एक अनबैलेंस फोर्स है और हम ग्राउंड को अंदर धसा देंगे. और अंदर भी जाएगा. ठीक है, जैसे कि रेत. आया समझ में? ठीक है. व्हाई डोंट एक्शन एंड रिएक्शन कैंसिल ईच अदर? हमेशा याद रखना,
एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो मैंने तुमको कहानी सुनाई, मैंने तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज किया कि मैं मौलिक को खींच रही हूँ और एंजल ही मौलिक को खींच रही हूँ। नहीं, यहाँ पर केस क्या हो रहा है, मैं एंजल को धक्का दे रही हूँ और एंजल ही मुझे धक्का दे रही है। तो जरूरी नहीं है हम दोनों के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करें। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कब करेंगे, जब वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। पर मैं एंजल पे फोर्स लगा रही हूँ इज वन ऑब्जेक्ट, और एंजल का फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है इज अनदर ऑब्जेक्ट। तो जो अपोजिंग फोर्सेस है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, इसलिए दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। कुछ केसेस में ये फोर्सेस आपस में कपल भी बना लेते हैं। कपल मतलब क्या होता है, कभी तुम लोगों ने अगर नल खोला हो तो ध्यान दिए, नल तुम लोग ऐसे खोलते हो। जब तुम नल ऐसे खोलते हो जरा ध्यान दो, एक फोर्स इधर जा रहा है और दूसरा फोर्स इधर जा रहा है, ये दोनों अपोजिट जा रहे हैं पर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, उल्टा नल खुल जा रहा है। आया समझ में? एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन लिखा कि एक बोटमैन बोट कैसे चलाता है या चप्पू कैसे चलाता है, ठीक है। तो जब वो अपने रो चलाता है तो जब उसको आगे जाना रहता है तो वो चप्पू को कहाँ धकेलता है, ऐसे चलाता है वो। तो वो क्या कर रहा है, पानी को पीछे ले रहा है। तो एक्शन किस पे लग रहा है, पानी पे। पानी पे एक्शन कहाँ लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्शन किसको मिलेगा, आई बात समझ में? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था दैट जब अगर तुम लोग कभी बोट पे बैठे हो तो बोट के जब बाहर तुम कूदते हो किनारे की तरफ, तो तुमने ध्यान दिया होगा बोट पीछे की तरफ सरकती भी लगती है, इधर खिसक जाएगी बोट। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि हम जान हमें पता नहीं चलता है, अनोइंगली हम लोग एक एक्शन लगाते हैं किस पे, बोट पे, और बोट हमको रिएक्शन हमारी बॉडी को क्या देती है, रिएक्शन देती है, जिसकी वजह से हम लोग आगे की तरफ किनारे की तरफ क्या हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं। आ रही है बात समझ में? तुम कभी पैर आगे मार के देखना, तुम पीछे जाने लगोगे। धरती को जब आगे पुश करोगे